आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप बी फार्मेसी या डी फार्मेसी यानी कि PPHD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक गोल्डन चांस ओपन हुआ है। लेटेस्ट न्यूज़ जो आपके लिए है वो ये है कि रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं बी फार्मेसी और डी फार्मेसी दोनों के लिए ही। बी फार्मेसी और डी फार्मेसी दोनों के लिए ही ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इसके बाद अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कॉलेज जाकर वहाँ फीस पे करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं। पूरी प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और फिर आगे की प्रोसेस भी मैं इसमें बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको गूगल पे जाना है और वहाँ पे लिखना है rungta.ac.in जो कि इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका सर्च करने के बाद आपको नीचे एक टैब शो होगा जिस पे लिखा होगा रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिस पे आपको टच कर देना है। टच करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा जिस पे यहाँ पे साइड में एडमिशन ओपन या फिर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। मैंने ट्राई किया है कि पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में दे सकूं, लेकिन फिर भी अगर कुछ बाकी रह जाता है या आपके मन में कोई और सवाल आते हैं तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके ओपन होने के बाद आपको आपके कुछ डिटेल्स मांगे जाएगी, जैसे आपका नाम, ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर जिससे आपको OTP भेजा जा सके और आपकी कोई पासवर्ड जो आपकी पसंद की हो। उसके बाद आपको अपना स्टेट डाल देना है जो भी आपका है, जैसे कि छत्तीसगढ़। उसके बाद सिटी में आपकी जो भी सिटी है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट इंस्टीट्यूट अप्लाइंग फॉर, तो आपको इसमें भिलाई या रायपुर जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद कोर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर बी फार्मेसी डी फार्मेसी दोनों का ही ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कैप्चा कोड डालना है और रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करते ही आपको कुछ देर बाद उनकी तरफ से या तो कॉल आएगी या फिर ऑनलाइन इंक्वायरी की जाएगी, जिसमें आपसे कंफर्म किया जाएगा कि आप ही हैं जो अप्लाई कर रहे हैं और आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको जो करना है वो है कि आपको कॉलेज एक बार विजिट करना है और वहाँ पे आपको फीस पे करके अपनी सीट रजिस्टर करवा लेनी है। इसके बाद आपका एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा। बी फार्मेसी के लिए पर ईयर आपको 71,900 रुपीज़ पे करने होते हैं, और अगर आप इससे भी ज़्यादा कुछ डिटेल चाहते हैं तो आप कमेंट में या तो पूछ सकते हैं या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके कॉलेज का इंक्वायरी नंबर आपको दे दूंगा, जिस पे आप कॉल करके डायरेक्टली भी इनसे बात कर सकते हैं और अपने सवाल खुद ही इनसे पूछ कर कन्फर्म कर सकते हैं। अगर आप बी फार्मेसी या डी फार्मेसी में एडमिशन लेने वाले हैं तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर वीडियोज़ आ रही हैं, उनको भी एक बार ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि एक ही वीडियोज़ में सारी इन्फॉर्मेशन देना पॉसिबल नहीं होता, तो कुछ जानकारियाँ आपको इन वीडियोज़ में से भी मिल जाएंगी। और अगर आप फार्मेसी या किसी दूसरी ब्रांच में भी एडमिशन लेने वाले हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे कि कॉलेज, उसका फीस स्ट्रक्चर या फिर उसके बारे में कोई और जानकारी, तो ऊपर आ रहा चैनल आइकन टच करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।